छोटी साड़ी से नववारी कैसे बनाए उसका इजी तरीका हम अभी सीखेंगे। उसकी पूरी लंबाई 28 इंच है, सिल्फ फिटिंग 28 इंच है और बॉटम 12 है। पैटर्न के नाप के हिसाब से हम अभी यहाँ पे बनाए हुए पैटर्न का अस्तर के कपड़े को बढ़िया से फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखा हुआ है। इसका जो नाप है वह 11 इंच है, हमने ऐसे ही फोल्ड करके रखा था, लेकिन अभी यहाँ पे सिल्फ फिटिंग का चौथा हिस्सा डाला जाएगा जो कि सिल्फ फिटिंग 28 है। 28 का चौथा हिस्सा 7 आएगा प्लस 2 ऐड करना है तो बन जाएगा 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच लेने के बावजूद यहाँ पे 9 लेना है प्लस 1 ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे 10 इंच हो गया। बाहर के साइड में 2 इंच लेके बढ़िया से गोल शेप दे दीजिए। उसके बाद पूरी लंबाई को गिनने के बाद 28 इंच प्लस 1 इंच बराबर 29 इंच हो गया। बॉटम डालने के बाद बॉटम का आधा हिस्सा डालना है, 12 के आधा 6 प्लस 1 यानी कि 7 इंच लेके बढ़िया से टेढ़ी लाइन खींचनी है। बाद में यह कट करना है तो नववारी के लिए लगने वाली पैंट कटिंग हो जाएगी। बढ़िया से कटिंग करने के बाद पैंट अपनी ऐसी दिखेगी। फिर बाद में आगे की कटिंग देखते हैं। बढ़िया से नववारी की पैंट हमने काट के रखी हुई थी, उसको इसी साड़ी के कपड़े पे इस तरह से रखेंगे दिखाए तरीके से। बाद में यहाँ पे थोड़ा कपड़ा, यहाँ पे थोड़ा कपड़ा छोड़ के हम अभी स्केच बना लेंगे। इस तरह से आपको दो पैर की कटिंग निकालनी है। दो पैर की कटिंग निकलने के बाद आगे हम सिलाई कैसे करना है वह सीखेंगे। इस तरह से दो पैर की कटिंग करनी है। इस तरह से हमारी कटिंग जो है वो तैयार है। अभी हम सिलने का तरीका सीखेंगे। बाद में यह जो पैरों के निशान है उसको और यह अस्तर के पार्ट को इस तरह से ज्वाइंट डाल के फिर उल्टा कर देना है। बाद में यह भी ऊपर का हिस्सा ज्वाइंट डाल के अंदर कर देना है। बचा हुआ हिस्सा जो रहेगा वह जो अस्तर दिख रहा है उसी के अंतराल में चून या फिर बारीक बारीक प्लेट्स डाल देनी है जो कि यह नाप की तैयार हो जाए। दिखाए तरीके से गोलाई का हिस्सा छोड़ के ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे इस तरह से चौराही में टिप लगानी है और पैंट नववारी की कंप्लीट। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इस तरह से चून डालने के बाद यह पैर इस तरह से सिला जाएगा कोने में कि ये ऐसा दिखे। बाद में यह उल्टा जो है यहाँ पे कहीं पे भी हमने चून डाली नहीं है तो नववारी के लिए जो आंचल लगेगा उसके लिए निकलने वाला कपड़ा यह हमने लिया हुआ है, लेकिन इतना इसके बावजूद यह एक्स्ट्रा है। यहाँ पे डबल है और यहाँ पे सिंगल है। अभी करना क्या है तो अभी हम देखेंगे कि यह तो हो गई आपकी लंबाई, अभी हम इसको फिनिशिंग में काटने का तरीका सीखेंगे। आप देख रहे हैं यही पे मैंने जो आंचल के लिए चौकोन कपड़ा निकाला था वो यही इस तरह से रखा हुआ है कि सीधे पे सीधा, लेकिन जोड़ते वक्त यहाँ से आपको यह जोड़ना है जैसे आपको दिखाया गया है। अभी करना क्या है, मैंने तो एक चून डाल के यहाँ पे इसको पैक कर दिया, लेकिन आगे आपको कटिंग इसकी करनी है क्योंकि मैंने अभी फिलहाल की नहीं थी, अभी करेंगे। तो अभी करते वक्त इसको जैसे कि मैंने पैंट का काट ऊपर रखा है उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे ऐसे नाप लेके टेढ़े में थोड़ा सा कट करना शुरू कर दिया, लेकिन कट क्या करेंगे तो सिर्फ ऊपरी हिस्सा हम कट करने वाले हैं जैसे कि आपको यह दिखाया गया है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो है वह फिटिंग में बैठे और दाहिने हाथ पे जाते वक्त फिटिंग पकड़े, इसीलिए यह कपड़ा कट करना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ऊपरी हिस्सा जो है वो कोने के
इसने एक वितले के टेढ़े में कट किया हुआ है, वही हिस्सा ऊपरी सतह पे आया हुआ है। ऊपर आने के बाद यह गोलाई का हिस्सा, और अभी हम देखेंगे कि इसको किस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको दिखाए तरीके से गोलाई के नीचे एक इंच जाके हमें यह इस तरह से जोड़ना है कि इसके गोलाई के नीचे जाके जोड़ देना है। वहां पे बढ़िया से चुन डालनी नहीं है, और आपको जैसे कि आपको दिखाई गई है इस तरह से हमको चुन डाल के यह ऐसे यहीं पे लगाना है, और हो गया आंचल कंप्लीट। के बाद यह पैर जो है इस टाइप से तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम काष्ठा बनाने के बाद इसी तरह से रखेंगे कि उसका जो काट है इस तरह से आपको दिखाई देगा। बाद में उसका दूसरा पैर जो है इसी तरह से ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद देखना है एक पार्ट यह, दो पार्ट जो है पीछे के काष्ठे, और यह आंचल और पैंट का कपड़ा, इसी को गोलाई में जोड़ते हुए जाना है। यह हो गया आपका पहला काम कंप्लीट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गोलाई में पहले तो हमें टीप लगानी है। टीप लगने के बाद हमें देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। फिर टीप लग जाने के बाद हमें यह पार्ट ऐसे दिख रहा है। बाद में यह जो काष्ठे का पार्ट है उसको भी उठा के पूरा इधर सीधा कर देंगे। सीधा रखने के बाद यह इस तरह से दिखेगा। बाद में यहाँ पे पैर और आंचल लगा हुआ है। आंचल लगने के बाद हमें देखना है कि यह इस जो सीट के पीछे वाला हिस्सा है काट वाला, उसे कैसे ज्वाइन करना है। तो उसे इस तरह से जैसे साड़ी पहनते हैं वैसे ही प्लीट्स डाल के बढ़िया से मैनेज करके इसको यहाँ पे इस तरह ओपन करके पिन लगा लेनी है। पिन लगने के बाद यह इस तरह से दिखेगा। ऐसे दिखने के बाद हमें जाना है नीचे की सतह पर। नीचे की सतह पर जाते वक्त इसको ओपन करना है। ओपन करते वक्त यह पूरा ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यह पैर के इस साइड जोड़ना है, यह पैर के इस साइड जोड़ना है, और जोड़ने के बाद नीचे का हिस्सा देखना है कि किस तरह से हम इसको ज्वाइंट करें। तो वही तरीका जिस तरीके को आपको मैंने ऊपर बताया था वैसा ही तरीका आजमा के आप इसका को इस तरह से लगा सकते हैं जैसे कि आपके बैक के काष्ठे तैयार हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पैर का इस तरह से करना है, तो इसका भी इसी तरह से आपको करना है। बढ़िया से जैसे कि साड़ी पहनते हैं उसी तरह से इसको फ्रिल डाल के बढ़िया से फिनिशिंग दे के, और मैंने तो ऐसे ही बताया है, लेकिन आपको थोड़ा सा फिनिशिंग कर लेना है और टिप लगानी है, तो आपकी नववारी बराबर इस तरह से दिखेगी और पीछे का काष्ठा बराबर इस तरह से दिखेगा। तो आपका पीछे का हिस्सा पूरा तैयार हो गया है। आगे हम देखेंगे कि इस आंचल को क्या करना है। आंचल को पूरी तरह से गोल मोल करके हमें यहाँ पे आपको रख लेना है। जैसे कि मैंने इसको बताया गया है कि यह यही पे हम पिन करके रख लेंगे, जैसे कि नववारी में बीच बीच में वह पार्ट आए ना। जैसे कि आपको दिखाया गया था, तो आगे की फ्रिल हम कैसे बना सकते हैं। जो पीछे का हिस्सा अगर पूरा कंप्लीट हो गया, तो आगे के हिस्से के लिए बचा हुआ कपड़ा जो है दोनों साइड की काट निकाल के रखी हुई है, और यह जो पैंट की नाप है उसी नाप का चौकोर टुकड़ा हम निकालने वाले हैं। जितनी भी लंबाई हो उतना निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यह चौकोन कपड़ा बचा हुआ दिखाया था, उसी कपड़े को हम इस तरह से आधे में फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें जो कपड़ा है वह कम पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको टेढ़े में इस तरह से खींच के लगा लिया है। बाद में इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद यह जो कपड़ा निकलेगा तो यहाँ पे ज्वाइंट डाल के फिर जोड़ा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यह हिस्सा जो है वो कट करके देखेंगे, तो इस तरह से ये आधा हिस्सा जो है यहाँ पे ऐसे रेडी हो गया है, और रेडी हो जाने के बाद जो नीचे का चौकोन वाला हिस्सा था उसको उठा के यहाँ पे टेढ़े में रख देंगे तो इस तरह से नजर आएगा। नजर आने के बाद यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से इसको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद यह फ्रिल के लिए लगने वाला कपड़ा रेडी हो जाएगा। आगे के डिजाइनर फ्रिल्स बनाने के लिए इस तरह से कपड़ा ज्वाइन करके रखा हुआ है। अभी हम सीखेंगे कि फ्रिल्स बनाते कैसे हैं।
फ्रिल्स बनाते वक्त इसको 8-8 इंच पे ऐसे बढ़िया से आपको खींचते चले जाना है, तो आपका जो फ्रिल्स का कपड़ा है वो इस तरह से दिखेगा। यह जो साइड है वह एक जैसी आपको रखनी है, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक एक करके आपको पेपर पिन लगा लेनी है, और पेपर पिन लगाएंगे तो बढ़िया से फ्रिल्स आपकी तैयार हो जाएगी। साड़ी के बीच में जॉइंट लगे हुए हैं, इसीलिए बेहतरीन तरीके से अगर यह बैठ नहीं रहा, लेकिन अगर आप इसमें जॉइंट नहीं रहेगा तो आपका यह बराबर से बैठेगा। और हम अभी देखेंगे कि आगे किस तरह से आपको यह कंप्लीट करना है। के तैयार हो चुकी है, अभी हम इसको यहाँ पे टीप लगा लेंगे। टीप लगाने के बाद ये हम आगे के पैर पे जोड़ा जाएगा। ऐसे फ्रिल्स आपकी रेडी हो चुकी है। फ्रिल्स रेडी होने के बाद आगे पे पैर पे जोड़ा जाएगा। दिखाए तरीके से हमने आंचल को यहाँ पे बढ़िया से फोल्ड करके रख लिया है। पीछे का काष्टा कंप्लीट हो चुका है, और यह जो फ्रिल है सिर्फ अभी यहाँ पे रखी हुई है। रखने के बाद यहाँ पे इसका पहला लाइन लेके ऐसे और ऐसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यह फ्रिल आपको उस पैर पे ले जाके फिर से बना लेनी है, आगे बताएंगे। जैसे कि हमने दिखाया था, यह पार्ट यहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है, और दूसरे पार्ट को उठा के इसके ऊपर रख के यह गोलाई पे टिप लगानी है। इस तरह से हमने आगे का पार्ट जो है, जो जिस पैर को जोड़ना था उसी पैर को जोड़ के गोलाई में लगा दिया है। बढ़िया से गोलाई में लग जाने के बाद इसको बाद में भी हम सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इधर उधर भी दिख रही है तो भी यह प्रेस करके सेट किया जाता है, और बढ़िया से आपको जैसे जैसे बाद में धीरे धीरे पता चलेगा, वैसे वैसे आप इसको बढ़िया से एक साइड में करके टाका लगा के भी ऐड कर सकते हैं। यह इस पैर पे है लेकिन जाएगी उस पैर पे, यानी कि यहाँ पे अगर आंचल है तो जाते वक्त ऐसे जाएगी। यह हो गया आंचल की साइड, ये हो गया सामने वाला पैर। दाहिना पैर पे जाने वाली यह डिजाइन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और पीछे देखें तो नव्वारी इस तरह से अभी दिखने लगी है। आंचल का साइड यह, और यह हो गया पैरों की बाजू। पैरों के बाजू में अगर यह भी दिख रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं, इसको अंदर फोल्ड करके टिप लगानी है, और आपकी नव्वारी जो है वह रेडी हो जाएगी। उलट रख के इस तरह से आपको कोने तक टिप लगानी है, और आपकी नव्वारी जो है सीधा करके कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक बार हम देखते हैं कि कैसे रखना है। दिखाए तरीके से यह अभी इस तरह से दिख रहा है। जहाँ पे आंचल जाएगा वहाँ पे आंचल को छोड़ दीजिए, जहाँ पे ये पैर की जो फ्रिल्स है वो जाएगी उसको अंदर छोड़ दीजिए, और बढ़िया से इस कोने तक टिप लगाइए। यहाँ पे भी यह सब अंदर करके आपको फिर से यहाँ टिप लगानी है। तो हो गए पैर जोड़ना। नव्वारी के पैर जोड़ने के बाद नव्वारी कैसी दिखेंगे हम बाद में देखते हैं। आगे देखते हैं कि ऊपर का पट्टे को कैसे लगाना है। जैसे यह पट्टा या बेल्ट लग जाता है तो यहाँ पे आप नौड़ी या फिर इलास्टिक का यूज करके पहनना सीख जाएंगे। बढ़िया से यहाँ पे अगर काट रखी हुई है तो इसको ऊपर से आपको दिखाए तरीके से बेल्ट लगाना है। बेल्ट लगाते वक्त सीधे पे लग के फिर अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद पूरा फोल्ड होके इस तरह से अंदर की साइड लगेगा, और पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से नव्वारी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आंचल ऐसे रखा था, यह हो गया दाहिने पैर पे डिजाइन, और बीच वाले हिस्से को देखे तो पता चले कि यहाँ पे पैर भी जोड़ चुके हैं, और पीछे का हिस्सा बराबर इस तरह से कंप्लीट हो चुका है, और नव्वारी इस तरह से दिखेगी। यह आगे की डिजाइन है फ्रिल वाला ये, और ये हो गया दूसरा पैर, और पूरी फिनिशिंग यह आंचल, और आपकी नव्वारी जो है कंप्लीट।